यदि आप अपने जीवन में वासना और विवेक का खेल समझ जाएंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अब देखिए ना, सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में कई बार चलता रहता है कि ये चीज करूं ना करूं, ये चीज सही है गलत है। इस चीज को लेकर बहुत सारी चीजें आपके मन में चलती रहती है और फाइनली कई बार आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार वो काम कर देते हैं जो आपके मन में लग रहा था यार ये तो गलत है लेकिन अब मैंने कर दिया, उसके बाद गिल्ट फील करते हैं। तो ये खेल क्या है? ये खेल है पूरा का पूरा वासना, मतलब आपकी इच्छाओं का, डिजायर का, लस्ट का, या फिर एक और खेल है आपकी बुद्धि का, मतलब आपके विवेक का, आपके इंटेलिजेंस का जो आपने कमाया है, तो इसी का पूरा खेल होता है। आज इसी को समझते हैं कि ये आपको जीवन भर कैसे परेशान करता रहेगा यदि आपने इसे ठीक से नहीं समझा, और यदि इसे ठीक से समझ लिया तो आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत शॉर्टेड हो जाएगी, आपको फैसले लेने में बहुत आसानी होगी, और कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है उसमें क्या आपको करना है उसका डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा आपके बचपन में, जब आप पैदा हुए थे या हम पैदा हुए थे। अब देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि जब हम पैदा हुए थे तो क्या हम बुद्धिमानी के साथ, मतलब जो बुद्धि अभी हमारे अंदर है, जो विवेक हमारे अंदर है, क्या उसके साथ ही पैदा हो गए थे? तो जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। उस बुद्धि के साथ, मतलब दिमाग तो था और हम इंसान के बच्चे हैं इसलिए हमारे अंदर वो दिमाग तो था ही, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए बहुत साल लगे, क्योंकि यदि बेसिकली हम देखें तो एक्चुअल में हम सभी जानवर ही थे और उस जानवर को इंसान बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही कहते हैं कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक्चुअल में वो वही जानवर होता है जो हम दूसरे जानवर देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी सिर्फ वही चीजें होती है, जैसे हमें भी भोजन करना होता है, हमें भी आराम करना होता है, हमें भी भ्रमण करना होता है, जो उनकी चीजें होती है वही हमारे अंदर होती है। हम थोड़े से अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये दिमाग है जो कि हमें अलग अलग चीजों को करवाने के लिए तैयार करता है। अब देखिए, उस जानवर को, मतलब जब हम छोटे थे तो एक जानवर की तरह व्यवहार करते थे जो कि आप सभी को पता है। अब उस जानवर को इंसान कैसे बनाया गया, उस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी। अब देखिए, जब सर्कस में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार एक शेर जो होता है वो सर्कस का जो रिंग मास्टर होता है उसकी उंगलियों पर नाचता है, उसके हंटर पर नाचता है। तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी, वो शुरू से ही ट्रेनिंग किया हुआ होगा या ट्रेन शेर होगा? बिल्कुल भी नहीं, उस शेर को ट्रेनिंग दी गई होगी, और वही ट्रेनिंग, कुछ उसी प्रकार की ट्रेनिंग हमें भी बचपन से दी जाती है। एक जानवर को, एक समझदार जानवर, मतलब जो कि आपके इशारे पर नाचे, जैसे कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, तोता हो गया, शेर हो गया, बंदर हो गया, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। या फिर हम भी अपने बचपन को ले लें कि हम भी यदि छोटे थे तो एक जानवर का रूप ही माने और उसको समझदार बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को कहते हैं पेन और प्लेजर का नियम, मतलब कि जहां पर दर्द होगा हम उस दर्द से भागेंगे और जहां पर हमें खुशी मिलेगी उस खुशी की ओर हम दौड़ेंगे। और इसी नियम को जानकर और उसे समझकर अप्लाई करके हम जंगली जानवरों को समझदार बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे रिंग मास्टर में एक रिंग मास्टर जो है शेर के साथ करता है। वो क्या करता है कि बार बार कई दिनों तक तो उसे भूखा रखेगा सबसे पहले, ताकि उसे पेन होगा। जब पेन होगा वो भूखा रहेगा और उसे थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाएगा, लेकिन भोजन देने के ठीक पहले उसे जैसा करने को कहा जाएगा, यदि वो वैसा करेगा तभी उसे भोजन दिया जाएगा, मतलब वो प्लेजर दिया जाएगा, तो वो जानवर वैसा करने लगेगा जैसे उसे करने के लिए कहा जा रहा है। और यही प्रोसेस हमें एक बचपन में, हमें एक जानवर से इंसान बनाती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक रिंग मास्टर में रिंग मास्टर अपने शेर को ट्रेन करता है। समझ में आ रही होगी आपको बात? तो बचपन से हमारे अंदर एक बहुत ही बेसिक सी चीज जो कि पहले से ही है, वो है लस्ट, वो है इच्छाएं और वो है वासना। ये हमारे अंदर बचपन से ऑटोमेटेड मोड पर हमारे अंदर आती ही है, हमें चीजों की इच्छाएं होती ही है, हमारे अंदर वासना होती ही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की प्रक्रिया ही हमारे को समझदार इंसान बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम बचपन से लेके अभी तक और मरते दम तक बने रहेंगे। क्योंकि कई बार वो इच्छाएं होंगी, अब समाज हमें कहेगा कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करना है, तो आप अपने मन को कई बार मनाते रहते हैं। तो बचपन में मनुष्य का जो बेसिक व्यवहार होता है वो इच्छाओं का होता है, वासना का होता है या फिर स्वार्थ का होता है। आपने देखे होंगे कि बच्चों को कोई भी चीज किसी को देने में बड़ी तकलीफ होती है, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का पेन या प्लेजर दिया जाता है तभी वो चीज किसी को देते हैं। अब देखिए, बच्चों को प्लेजर और पेन के नियम से आप कैसे ट्रेन करते हैं? मान लीजिए कि किसी बच्चे को कहा गया कि अरे ये आपके दादाजी है, इनके पैर छूना है। अब बच्चा तो क्या कहता है कि मुझे नहीं छूना, ये कौन दादाजी है? लेकिन जैसे ही उसे कहा जाता है कि अरे नहीं छुए तो आपको एक थप्पड़ पड़ेगा, मतलब पेन यदि दिखाई
आएंगे, तब वो बच्चा जाके सोचता है कि यार मुझे फालतू में थप्पड़ पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं पेड़ पढ़ देता हूँ। मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे करवाने के लिए उसको पेन दिखाया गया। कई बार आपने घर में महसूस किया होगा कि आप ये भी कहते हैं कि जल्दी से चलो दादाजी के पैर छू दो तो फिर आपको एक टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। मतलब यहाँ पर आप उसे प्लेजर का लालच दे रहे हैं, तो या तो पेन दे रहे हैं या फिर प्लेजर का लालच दे रहे हैं। और इसी चक्कर को पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो सामने वाला बात कहता है उसे फॉलो करता है। तो जो वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है, लस्ट होता है हमारे अंदर, उसको ये समाज खत्म करता है और धीरे धीरे हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है, विवेकशील व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है। कैसे करता है कि जो चीज समाज को लगता है कि ये चीज समाज के लिए ठीक नहीं है, उस चीज से आपको दूर रखने की बात कही जाती है। और यदि आप उससे दूर रहते हैं तो आपको एक विवेकशील व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं किसी भी चीज की कि शराब पीना एक गलत बात है या गलत चीज है। अब देखिए कि शराब पीना गलत चीज है क्योंकि वहां पर आपको क्या आता है, आपको लस्ट आता है, आपको वासना आती है, आपका मन करता है, आपकी इच्छा करती है कि मैं ये चीज करूं क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है इस चीज को करने में। लेकिन समाज ने क्या कहा कि वो चीज आपके लिए बुरी है, वो चीज आपको नहीं करना है। अब जो व्यक्ति नहीं कहते हैं उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहता है समाज, जो व्यक्ति वैसी चीजें करता है उसे बुरा व्यक्ति कहता है समाज, जानवर जैसा व्यक्ति कहा जाता है उसे कि ये खराब व्यक्ति है, जानवर जैसा व्यक्ति है, ये तो वो काम करता है जो इंसानी काम नहीं है। तो यहां पर हमने कैटेगरी को डिवाइड कर दिया। अब देखिए पूरी की पूरी लड़ाई किस बात की है, पूरी की पूरी लड़ाई इस बात की है कि जिस भी व्यक्ति के अंदर ये वासनाएं आ रही है, इच्छा आ रही है, उसको खत्म करने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना है। तो समाज ने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया कि जो व्यक्ति इन चीजों की इच्छाएं करेगा वो खराब होगा, जो व्यक्ति इस पर कंट्रोल करेगा वो अच्छा होगा। आपने आजकल समाज में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे साधु संत महात्माओं को कहते हुए सुना होगा कि यदि आप इन चीजों का त्याग कर देते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनते हैं, सफल व्यक्ति बनते हैं, अच्छे व्यक्ति बनते हैं। इसका साफ सा मतलब है कि लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि आप वो चीज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आप एक विवेकशील व्यक्ति है या फिर आप वासना या इच्छाओं में लिप्त व्यक्ति है। अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, कहानी यहीं से शुरू होती है जो कि आपको समझना है। और यदि आप इस कहानी को समझ गए तो आपके जीवन में बहुत ही आसानी आ जाएगी। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर तीन कंडीशन बना दी है। देखिए सबसे पहले आप वासना और विवेक के बीच में अंतर समझ गए होंगे कि जब हमको जानवर से इंसान बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही विवेकशील व्यक्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। हमारा बेसिक नेचर क्या है कि हमारे अंदर इच्छाएं तो आएंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, वासना तो आएगी ही चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन विवेक मतलब बुद्धि के द्वारा जब हम उसे कंट्रोल करने लगते हैं कि मन तो होता है लेकिन हम उस मन को होने नहीं देते हैं, रोक लेते हैं, जकड़ लेते हैं, तो उसी को एक बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। अब सोचकर देखिए कि यहां पर तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि किसी का बहुत ज्यादा मन करता है कि यार मैं ये चीज करूं, ये चीज करूं, ये चीज करूं, लेकिन समाज उस चीज को गलत कहता है। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, शराब पीना हो सकता है, सिगरेट पीना हो सकता है, सेक्स में लिप्त होना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उन चीजों को ये समाज गलत कहता है। अब कोई व्यक्ति यदि पूरी तरीके से अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है और इन चीजों में विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर लेता है और इन चीजों से हमेशा के लिए दूर रहता है तो वो व्यक्ति एक साधु महात्मा व्यक्ति बन जाता है। मतलब वो ईश्वर के जैसा व्यक्ति बन जाता है, उसे ईश्वर के जैसा माना जाता है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत कंट्रोलेबल है, इसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है और ये ऐसी चीज है जिनकी इच्छाएं होती है, वासना होती है, उनसे हमेशा दूर रहता है। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आप पूरी तरीके से उन चीजों से दूर हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को एक भगवान जैसा इंसान बना ले। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कई लोग आपने समाज में देखे होंगे कि वो लोग हमेशा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं, मतलब उनको विवेक या बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, उनके अंदर जो भी वासना आ रही है, इच्छा आ रही है, जो भी चीज़ करने का मन कर रहा है वो उसे कर रहे हैं। और आप ऐसे लोगों को राक्षस जैसा व्यक्ति कहते हैं या फिर एक गलत व्यक्ति कहते हैं। पहले व्यक्ति को आप साधु जैसा व्यक्ति कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति को आप क्या कहते हैं कि यार ये तो व्यक्ति एक राक्षस टाइप का व्यक्ति है या तो एक गलत इंसान है, ये हमेशा ही वासनाओं में लिप्त रहता है, इसकी जो इच्छा करती है गलत करने की वो करता रहता है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब तीसरी जो कंडीशन है उसे आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा जो बेसिक नेचर है, बेसिक जो व्यवहार है बचपन से लेकर अभी तक का, और ये बुढ़ापे तक रहेगा, मरते दम तक रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, वो क्या है कि हमारे अंदर इच्छाएं तो आएंगी ही चाहे हम कुछ भी कर लें, कितना भी कंट्रोल लगा लें, लेकिन वो फिर से आएगी। जिसका बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है वो साधु महात्मा बन जाएगा, जिसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा वो एक राक्षस के जैसा व्यक्ति हो जाएगा, वो हमेशा उन्हीं चीजों में लिप्त रहेगा। लेकिन या तो एक साधु महात्मा आप बन जाए, वैसी लाइफ आप जी लें जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो आप एक राक्षस बन जाए जो कि एक पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक ऐसा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए जहां से आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाए। मतलब आपको ऐसी बुद्धि अपने अंदर लाना चाहिए, ऐसा विवेक लाना चाहिए कि आप वासनाओं का या इच्छाओं का उनके अकॉर्डिंग, मतलब बुद्धि के अकॉर्डिंग उपयोग कर सके। मतलब आपको पता हो कि बैलेंस लाइफ क्या होती है, आपको किसी गलत काम को करने का मन भी कर रहा है तो उसका
उसका क्या परसेंट हो सकता है, उसका क्या लेवल हो सकता है, वो किस हद तक हो सकता है, आपको ये बातें समझना होगा, तभी आप जीवन को बहुत ठीक तरीके से जी पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं यार शराब पीना बुरी बात होती है, अब आपके मन में भी आता है कि हाँ यार बुरी बात होती है, लेकिन कभी कभी मन करता होगा कि यार पी के तो देखता हूँ, इसका मतलब उसका लेवल क्या होना चाहिए, किस हद तक आप पी सकते हैं या कितने हद तक आपको पीने से कोई तकलीफ आपको भी नहीं होगी और इस समाज को भी नहीं होगी। एक बैलेंस वाला जो माध्यम है वो आपको तय करना होगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ या प्रमोट नहीं कह रहा हूँ कि कल से आपको शराब पीना शुरू कर देना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एक तरीका पता होना चाहिए बुद्धिमान बनते हुए कि आपको अपनी इच्छाओं पर कितना काबू पाना चाहिए। क्योंकि आप पूरी तरीके से भी इच्छाओं को यदि अपनी मार देंगे तो भी वो बहुत गलत होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारी ऐसी चीज होती है जो दूसरे हर व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज्यादा विवेकशील व्यक्ति हो गए हैं तो आप करते तो नहीं है, लेकिन आपके मन में हमेशा चलता रहता है कि यार काश मैं भी ये करता, क्योंकि सारे लोग तो कर रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको इस वासना और इस विवेक के बीच में एक कंट्रोल बनाना होगा, ना तो बहुत ज्यादा वासना के अंदर जाना होगा और ना ही बहुत ज्यादा विवेकशील हो जाना होगा, इन दोनों के बीच में एक रास्ता अपनाना होगा ताकि आप अपने जीवन में वो सारी चीजें कर पाए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज से किसी इंसान को कोई तकलीफ भी ना हो। तो आशा करता हूं कि इन तीनों पॉइंट से आपको बात समझ में आ गई होगी कि ना ही आपको बहुत ज्यादा साधु किस्म का आदमी बनना है, ना ही बहुत ज्यादा राक्षस किस्म का आदमी बनना है, इन दोनों को मिला के एक अच्छा इंसान बनना है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते रहे लेकिन समाज में किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ भी ना पहुंचाए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।